मुल्क भर में बिजली महंगी कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन पावर डिवीजन ने जारी किया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी ऑन टैरिफ बगैर टैक्सेस के 48.84 रुपए तक पहुँच गया। महाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपए इजाफे से 34.26 रुपए हो गया। महाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7.02 रुपए इजाफे से 39.15 रुपए बढ़ा दिया गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म होने के बाद मार्केट में आटे की सप्लाई मामूल पर आ गई। 10 किलो आटे का थैला 900 रुपये, 20 किलो का थैला 1800 रुपये में दस्तयाब है। खुला सुर्ख आटा 100, फाइन खुला आटा 110 और चक्की आटा 150 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। हुकूमती यकीन दहानी पर फ्लोर मिल्स ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर की है। वज़ीर आला पंजाब का फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल ख़त्म करने के ऐलान का खैर मकदम। मरियम नवाज़ कहती हैं, आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज़ तहफ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ख़ुराक पंजाब बिलाल यासिन का मार्केट में आटा सप्लाई में तेज़ी का हुक्म। किसी सूरत आटे और रोटी की कीमतों पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, आवाम इत्मीनान रखें। वज़ीर आला मरियम नवाज़ आटे की कीमतों और सप्लाई को खुद मॉनिटर कर रही हैं। कहते हैं, महकमा ख़ुराक के अफसरान आटे की आम मार्केट में फराहमी को यकीनी बनाएँ। नायब अमीर जमात इस्लामी का अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए सियासी क्यादत को डायलॉग के दरवाजे खोलने का मशवरा। लियाकत बलोच बोले, सियासी बहरान गंभीर हो रहा है। जमहूरी कुव्वतों का टकराव आइन और जमहूरियत के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। बहरानों के खात्मे के लिए अवामी मैंडेट तस्लीम करना होगा। फॉर्म 45 की बुनियाद पर हकीकी अवामी मैंडेट का हल तलाश किया जाए। महंगाई ट्रेन का सफर जारी है। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। अदरक 800, लहसुन 500, लीमू 400, टमाटर 180, आलू 100 रुपए किलो में फरोख्त। फूल गोभी बंद गोभी 120 रुपए किलो में बिकने लगी। मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। ब्रायलर गोश्त 22 रुपए किलो महंगा होकर 541 रुपए तक पहुँच गया। एक दर्जन अंडों की कीमत भी 253 रुपए पर जा पहुँची। रवां साल शहर में डेंगू वायरस फैलने का इम्कान। बारिश के बाद डेंगू लार्वा की अफजाइश में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों में 1519 मकामात से लार्वा बरामद। डेंगू लार्वा को तल्फ करने के हवाले से इकदाम ना होने के बराबर। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 8 मरीज ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, सूबे भर में डेंगू सर्विलेंस को तेज़ किया जा रहा है। मेरा पंजाब स्मोक फ्री। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर माहौलियात की बेहतरी के लिए पायदार इकदाम। चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। मरियम नवाज बोली, स्मोक के मुस्तकिल सदबाब के लिए मिलजुल कर इकदाम करना होंगे। प्रोग्राम के तहत इंटर्न्स को महाना 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। प्रोग्राम में 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। अवाम स्मोक के मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ दें। अमेरिका में तायुनात। पाकिस्तान के नए सफीर रिजवान सईद शेख का सीबीटी पंजाब का दौरा। सीईओ सीबीटी पंजाब इमरान अमीन ने सीबीटी पंजाब के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग थी। मुलाकात में सीबीटी को अमरीकी बिजनेस कम्युनिटी तक रसाई पर इत्तफाक। रिजवान सईद शेख कहते हैं, सीबीटी पंजाब के तमाम मनसूबे खिते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सीबीटी पंजाब के तमाम मनसूबों में बैनुल अक्वामी सरमायाकारी राखिब करने की तमाम खसूसियात मौजूद हैं। आशूरा पर पंजाब के सरकारी हस्पतालों में इमरजेंसी का मरासला जारी। मरासले के मुताबिक टीचिंग हस्पतालों के इमरजेंसी, इंडोर ऑपरेशन थिएटर्स और फार्मेसीज का ड्यूटी रोस्टर जारी किया जाएगा।
अस्पतालों में सिक्योरिटी स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी देंगे। अस्पतालों में अद्वियात और ब्लड बैग्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं तमाम अस्पतालों में अज़ादारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का 7वें मुहर्रम के जलूसों और मजालिस के मॉनिटरिंग के लिए कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। डीसी राफिया हैदर ने तमाम जलूसों में कैमरों के लाइव मॉनिटरिंग बारे ब्रीफिंग दी। ज़ैद बिन मकसूद बोले महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम से तमाम असलाह की मॉनिटरिंग की जा रही है। मरकजी कंट्रोल रूम में तमाम महकमा आशूरा के अख्तिताम तक काम करेंगे। ज़िले इंतजामिया मुंतज़िमीन के साथ मुकम्मल राबिते में हैं। मुहर्रम अल हराम में पुलिस हाई अलर्ट, मजालिस और जलूसों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मजालिस और जलूसों की सिक्योरिटी के लिए 6000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार तायुनात कर दिए गए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस, सीटीडी, स्पेशल ब्रांच और वॉलंटियर्स भी सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम कर रहे हैं। आईजी पंजाब की आरपीओस और डीपीओस को मुहर्रम सिक्योरिटी इंतजाम की खुद निगरानी करने की हिदायत। CCPO लाहौर बिलाल सदी कामयाना की ज़ेर सदारत इजलास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदी कामयाना कहते हैं पुलिस अफसरान के परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, अफसरान सालीन के लिए अपने दफातर के दरवाजे खुले रखें। मांगा मंडी के मोहल्ला तारिकाबाद में गटरों का गंदा पानी गैस पाइपलाइन में शामिल, शहरी गैस से महरूम। दर्जनों शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई ना हो सकी। शहरी सुई नॉर्दर्न गैस के हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज। लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। छुट्टी के रोज़ बच्चों ने वालिदैन के हमराह लाहौर सफारी ज़ू का रुख किया। बच्चे मनपसंद जानवर देखकर खुश हुए। किसी ने शेर देखा तो किसी ने हिरन, कोई झूले झूलकर एंजॉय करने लगा। शहरियों का कहना है कि जानवरों को पिंजरों के बजाय खुली फजा में घूमते फिरते देखकर अच्छा लगा। कौमी क्रिकेट टीम में सर्जरी का फेज़ टू। तीनों फॉर्मेट खेलने वाले क्रिकेटर्स का एनओसी महदूद करने का फैसला। रवां साल कौमी क्रिकेटर्स को लीग्स के लिए एनओसी ना दिए जाने का इम्कान। पीसीबी ज़राए के मुताबिक एनओसी पॉलिसी का मकसद ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स को इंजरीज और थकावट से महफूज रखना है। पॉलिसी चेयरमैन पीसीबी, हेड कोचेज और शोभा इंटरनेशनल की मीटिंग में तय की गई।